Hello and welcome to TV Ka Pataka, your one-stop destination for all entertainment news. Well, दोस्तों, हाल ही में हुआ सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन का अपनी वाइफ से तलाक। जी हाँ, इंडस्ट्री की बड़ी ही पुरानी और प्रचलित एक्ट्रेस चारू असोपा ने भिजवाया है राजीव सेन के घर पे डिवोर्स का लीगल नोटिस, जिसके बाद से ही चारू असोपा ने खोल कर रख दी सुष्मिता सेन और उसके घर वालों की गंदी आदतों के सारे कच्चे चिट्ठे। बताया उन्होंने किस तरह से 3 साल से वो अपनी शादी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन सुष्मिता सेन कैसे बनी उनकी शादी टूटने की सबसे बड़ी वजह। क्या कुछ होता है सेन परिवार में, क्या कुछ हुआ है, क्या कहना है राजीव सेन का अपनी वाइफ के बारे में, बताएंगे हम आपको हर एक डिटेल। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लास्ट तक देखना आप ना भूलें। वेल, सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन की शादी इंडस्ट्री की बड़ी ही पॉपुलर और ग्लैमरस एक्ट्रेस चारू असोपा से कम 3 साल पहले हुई थी, जिसके बाद से ही हाल ही में ये अपडेट सामने आई है कि चारू असोपा ने राजीव सेन से अलग होने का निर्णय ले लिया है और ये उनका फाइनल डिसीजन है। वेल, इस शादी के 3 सालों में उन्हें एक छोटी सी बेटी भी हुई थी, लेकिन आखिरकार हालातों से तंग आकर चारू असोपा ने फाइनली डिवोर्स का लीगल नोटिस राजीव सेन के घर पे भिजवा ही दिया, जिसके बाद से ही हर तरफ यह अफरा तफरी है कि आखिर इंडस्ट्री के इतने बड़े कपल को आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सा तनाव था जिसके बाद इन्होंने एक दूसरे से अलग होने का डिसीजन लिया। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान चारू असोपा ने बताया कि 3 साल से वो अपना रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही थी। उनका रिश्ता शादी के पहले साल में ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगा था। पहले उन्होंने कोशिश करी अपना रिश्ता बचाने की, तो बाद में अपनी बेटी की वजह से उन्हें इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। इसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि राजीव सेन उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाते थे और पूरी तरीके से उनकी फ्रीडम को वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे। साथ ही साथ जब उनकी बेटी पैदा हुई तब भी उन्होंने उनकी कोई भी पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड करने से साफ इनकार कर दिया और राजीव सेन के इस डिसीजन को पूरे तरीके से सपोर्ट किया सुष्मिता सेन ने। और कई सारे राजीव और चारू के इंटरनल मैटर्स में सुष्मिता सेन फुल ऑन इंटरफेरेंस करती थी और राजीव सुष्मिता सेन के कहे बगैर कोई भी काम नहीं किया करते थे। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि राजीव सेन और उनके बीच में काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज हो गए थे, जिस पर हमेशा ही सुष्मिता सेन चारू असोपा को चुप रहने की नसीहत देती थी और हमेशा ही अपने भाई को डिफेंड करती हुई नजर आती थी, जिसके बाद हालातों से परेशान होकर चारू ने आखिरकार डिवोर्स फाइनल करने का फैसला ले लिया है। आप लोगों के क्या रिएक्शंस हैं कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।